टर्टल्स दिखे और कितनी वेल्स दिखी। तो जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने कैसे को समुई से कतामरान ली और 2 घंटे के सफर के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं कोताओ। और ये आइलैंड फेमस है स्कूबा डाइविंग के लिए। तो जितनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको यहाँ दिखेंगे उतने शायद ही थाईलैंड के किसी और आइलैंड पे मिलेंगे। और वही एक्सपीरियंस लेने के लिए हम आ चुके हैं कोताओ। और यहाँ पे हमने बुक किया है कोरल व्यू रिजॉर्ट। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। चले रूम पे। या ओके चलो। इस तरफ हमारा रूम। ओ ये कॉटेजेस बनाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। आई थिंक ये वाला हमारा है। स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है पर अंदर से देखते हैं। ये हमारे छोटू से घरू। हाँ लोग अंदर से बड़ा अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं। तो ऑल दो बाहर से सिंपल लगे पर अंदर से बड़ा प्यारा होता है। ओह ये तो अंदर से भी कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। थैंक यू कप। सी व्यू रूम। बेड ऊपर पंखा और एसी। ड्रेसिंग टेबल। बाथरूम तो एकदम व्हाइट हाउस बनाया हुआ है। चलो बढ़िया है। स्लिपरी कैसा लगा रूम? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। रूम एकदम सिंपलिस्टिक डिजाइन में बनाया हुआ है इन्होंने। नहीं और ये बहुत प्यारा है। हट हट वाली फीलिंग ना। और बिना कोई देरी किए हम गए सीवी डाइवर्स के पास जो कि है पैडी सर्टिफाइड स्कूबा डाइव इंस्ट्रक्टर्स। और डाइविंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास थे हमने उन सबको काफी डिटेल में डिस्कस किया। So for 4 people, how many instructors will go with us? So it'll be an instructor and assistant for the 4 people. Awesome. So last question. How much does it cost for a person who doesn't know anything about swimming? Okay. Just want to experience it. Okay. We charge 2,500 baht for that first try dive or discover scuba dive. Mm-hmm. And then all equipments included. Everything included. Okay. In that price. Okay. So 2,500 baht per person for the first dive. And if the person feels confident and want to do another one, then 1,000 baht. Yes. Okay. And first dive experience will be for how many hours? We need you from start to finish. That includes the diving and the instruction from the instructor. We need you for about 2.5 hours to 3 hours of your time. Okay. To do that. However, the dive proportion of that is going to be maybe 45 minutes, 50 minutes, including the skills. So around 40 to 45 minutes, we'll be inside the ocean. In the water, doing skills and a dive. Yes. Wow. Okay. Majority of our questions are answered, and we are gonna pay. And tomorrow, we are gonna go. Thank you so much for all Thank your information. ये वाला जो diving school है इनका, ये Coral View Resort पे located है, और जिस resort में हम रह रहे हैं, बल्कि कोई भी आके यहाँ पे इनके साथ इनको pay करके इनके services ले सकते हैं। तो सुबह 8:30 उठ के तैयार होके हम लोग आ गए यहाँ पे डाइविंग करने के लिए। बट यहाँ पे हमें करना था, ये थोड़ी सी स्टेबल कंडीशंस नहीं है, ज़्यादा है विंड यहाँ पे। तो हमारे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब ये हमें गाड़ी में बिठा के आइलैंड के दूसरी तरफ लेके जाएंगे जहाँ पे कम वेव्स हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम स्कूबा डाइवर्स हैं तो हमारे लिए कम वेव्स ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेंगे। तो हमने अपना किट उठा लिया है, हमारे फिन्स, हमारी जैकेट और हमारा वेट सूट और सिलेंडर 15 किलो का ये पीछे लगाएंगे। तो आपको दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। दोनों को आ गया? चलो ट्रक है रेडी, लेट्स गो। तो अपने रिजॉर्ट से निकल के हम इस आइलैंड की दूसरी साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे हम स्कूबा डाइविंग की प्रैक्टिस करेंगे। पीछे दिखाओ पीछे। 15 किलो का स्लेडर और ये पूरा इक्विपमेंट, कम से कम भी 8-10 किलो के वेट। yeah. ये पूरा का पूरा 25-30 किलो का इक्विपमेंट है हमारा। रेगुलेटर, इससे हवा भरो और इसे हवा छोड़ो। और ये हमारा गेज मीटर, प्रेशर और उसे चेक करने के लिए। देन नो फैमिली पैक्स। अरे इधर आ इशिता, तो बहुत ही दूर हो गई। और हम लोग जाएंगे इस वाली बोट में
अपनी स्कूबा डाइविंग साइट के लिए। ऑलमोस्ट हमारी 2 घंटे की प्रैक्टिस हो चुकी है, 11:30 हो गए हैं टाइम, हम लोग 9 बजे आए थे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे इन्होंने बहुत ट्राई करवाया हम चारों से और मैं हो गया पास। तो अभी फिलहाल फिट फॉर स्कूबा डाइविंग सिर्फ मैं हूँ। तो अब ये हमें कहीं किसी स्पॉट पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे डाइविंग कराएंगे। यहाँ पे अभी तक इन्होंने सिर्फ हमें प्रैक्टिस करवाई, अलग अलग रेगुलेटर उतारो, लगाओ, उतारो, ढूंढो, वो सब करो, गुम हो गया तो कैसे लेके आएंगे, प्रेशर चेक करना, मास्क हटाना, लगाना। तो सारी प्रैक्टिस के बाद अब हम अपने स्पॉट पे जा रहे हैं फर्स्ट डाइव करने के लिए, जो कि अराउंड 30-45 मिनट्स की होगी। ये सारे इक्विपमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। डर लग रहा है, डर, वो एंकर लगाने लग गया, शायद यही स्पॉट है, ऐसे देखें कुछ है, यहाँ पे ज़्यादा गहरा है और आगे जाके फिर थोड़ा कम गहरा है, पर वहाँ पे कॉरल्स और वो सब है, तो पहले ये जाके देखिएगा विजिबिलिटी कैसी है, कंडीशंस कैसी है, उसके बाद हम दोनों जाएंगे। ओके ओके, वेयर इज योर हैंड सिग्नल? ओके, ओह यस, इट्स बेटर यू टर्न अराउंड फेसिंग मी। डाइविंग नहीं हुई तो क्या हुआ, स्नॉर्कलिंग तो हम कर ही सकते हैं। साहिल ने भी बोट से जंप किया और मजे से स्नॉर्कलिंग करी। गो गो गो, नहीं नहीं जा, कुछ नहीं होगा। और इशी ने डिसाइड किया कि वो बोट पे ही रहेगी, और मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके बोट की सीढ़ी पकड़ के पानी के नीचे बसी दुनिया का मजा लिया। और इसी के साथ साथ पहुंच गया मैं भी नीचे। इस स्पॉट पे हम लोग 30 फुट पानी के नीचे थे, मैं और मेरा ट्रेनर। ट्रेनर ने मुझे ऊपर से पकड़ा हुआ था और उसने मुझे नीचे तैरने की ये टेक्निक बताई कि आगे से हाथ पकड़ लो और फिर सिर्फ अपने फिन हिलाओ और आगे आगे हम खुद ही पुश होते जाएंगे। तो इस स्टेज पे मुझे अंडर वाटर तैरना आराम से आ गया था और अब मैं एकदम रिलैक्स होने लग गया था, और आसपास घूमती हुई रंग बिरंगी मछलियाँ और ये कोरल्स देख के ऑफकोर्स मैं तो ज़्यादा ही खुश हो गया था। और ये मेरा था रिएक्शन अंडर वाटर। और उसके बाद हमने शुरू किया पत्थरों के अराउंड तैरना और फिर उसके साथ साथ मछलियों के साथ भी तैरना। कई क्रीचर्स तो ऐसे थे जो मेरे को पता भी नहीं था कि हैं क्या, और वो ना ही कैमरे में कैप्चर हो पाए, पर हमने सी बेड पे देखा कि बहुत सारे फॉसिल्स पड़े हुए हैं, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस था देखने का। और इसी के साथ साथ कब 30-35 मिनट खत्म हो गए बिल्कुल पता नहीं लगा, और टाइम हो गया था अब फिर ऊपर जाने का वापस। कितने टर्टल्स दिखे और कितनी व्हेल्स दिखी? व्हेल्स तो नहीं दिखी, ना टर्टल। हाँ, बट नीचे की दुनिया अलग ही है, अलग ही है, ऐसा लग रहा है पूरी कॉन्डो बिल्डिंग बनाई हुई, अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं यार, ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों का ढेर नहीं होता। हाँ, बीच में थोड़ी देर पहले मैंने स्कूबा डाइविंग अपनी कंप्लीट की और उसके अंदर हम लोग गए 8.5 मीटर नीचे, जो अप्रोक्सीमेटली 27 फीट होता है। तो 27 फीट नीचे गए और नीचे की दुनिया अलग ही होती है, ऐसा लग रहा था कि नीचे उन्होंने अपने, ऑफकोर्स वो उनके अपने घर हैं और उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई है, मछलियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, खाना खा रही हैं, बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हैं जिनका मेरे को नाम भी नहीं पता है, तो मैं बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या क्या देखा है। इतने बड़े बड़े शेल्स थे और हर तरह के कलर्स, और विजिबिलिटी थी बहुत ही अमेजिंग। 35 या 38 मिनट्स हम लोग पानी के अंदर थे, बट ऑल दो ये शायद डिफ़िकल्ट लगता होगा, मेरे को बड़ा कंफर्टेबल लगा, मेरे को एकदम एट ईज था मैं, और ब्रीदिंग भी एकदम नॉर्मल थी। और जब मैं वापस आया तो डाइवर ने जितनी ऑक्सीजन यूज़ की थी उससे कम ऑक्सीजन मैंने यूज़ की थी, दैट मीन्स कि मैं उससे भी ज़्यादा रिलैक्स था, ऑल्दो उसे मेरे को संभालना पड़ रहा था कि यहाँ की एक बीच है,
साइरी बीच बोलते हैं इसे, इसी पे इनके पियर्स भी हैं जहाँ पे बोट्स आके लगती हैं। मैं तो स्कूबा डाइविंग करके आ गया, तेरा एक्सपीरियंस क्या था, तो ये बता, तूने भी की स्कूबा डाइविंग? नहीं, एक्चुअली मैंने स्कूबा डाइविंग नहीं की, बड़ी प्रैक्टिस करी मैंने साहिल और ऋषि ने कि हम कर ले, पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मास्क में पानी भर रहा था हम उसको बाहर कैसे निकाले अंडर वाटर, वो टेक्निक हमें समझ नहीं आ रही थी। तो हमने एक दो घंटा प्रैक्टिस किया बट नहीं हुआ, फिर हमें लगा कि क्यों उनका टाइम वेस्ट करना है, तो लेट इट बी, हम पानी के ऊपर ही फ्लोट कर लेंगे और फिर स्नॉर्कलिंग कर लेंगे। तो जब नान अंदर गया डाइव करने के लिए तो मैंने साहिल ने हम दोनों ने स्नॉर्कलिंग करी। हुआ यूं कि भाई हम चार गए थे बड़ा प्रिपेयर हो गए, भाई रात को इनका क्या होता है कि जो पैडी सर्टिफिकेशन होती है वो ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ती है और उसके बाद आपको ई लर्निंग का एक कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि हम चारों ने बड़ा डेडिकेटेडली किया, मतलब स्कूल के बाद आई थिंक अब हमने पढ़ाई की, ये तो ये अभी भी पढ़ाई कर रही है, बट मैंने और साहिल ने तो आई थिंक अभी की पढ़ाई इतने कॉलेज के बाद। तो उसके बाद अब जब हम पानी में गए तो हमें रियल रियलिटी पता चली कि कितना डिफिकल्ट है। दो घंटे हमने प्रैक्टिस करी, अप्रोक्स 2 आवर्स हमने प्रैक्टिस करी फुल ऑन पानी में, ये विद ऑक्सीजन, जमीन पे भी बैठे और जमीन पे भी बैठे, जमीन पे बैठे, सब कुछ किया। उस बंदे का हाथ छोड़ा ही नहीं, चार बार गिर के उसको भी टूटाया। वो बोलते लीव माय नो। और स्विमिंग पूल में ये मास्क से पानी कैसे निकालते हैं ये वाली प्रैक्टिस करेंगे हम, उसके बाद फिर से आएंगे कोताओ और फिर करेंगे डाइव। ये है कोताओ की ब्यूटी। और उसके साथ अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट संडे थाईलैंड की कोई नई चीज लेके।